नमस्कार मैम, आज पहले तो वेलकम टू डिजिटल पार्लियामेंट यूथ क्वेश्चंस। हमारा जो प्रोग्राम है वो IICSR और एकजा फाउंडेशन और ED टाइम्स, इन सब लोगों ने मिलके सपोर्ट किया है। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से, जब पार्लियामेंट चल रहा है उसमें से, हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू। मैडम, आपका इतना बड़ा राजनीति का सफर है, आपने आप टीचर थी और टीचर से आपने पॉलिटिशियन का जर्नी किया, तो आप अपनी जर्नी के बारे में प्लीज कुछ बताइए। देखिए, हर इंसान की अपनी एक जिंदगी होती है, हर इंसान की शुरुआत अपने कुछ छोटे बड़े काम से होती है। मैं आपको ये कहना चाहूँ कि मेरे जीवन की शुरुआत केवल उस तरह से है जिस तरह से गंगा नदी में एक बेडोल पत्थर गिर जाता है और वो पानी के थपेड़ों से बरसों बाद सुडोल गोल बन जाता है और उसी को हम शिवलिंग के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कुछ इसी तरह की जिंदगी रही है। एक ग्रामीण परिवार में, किसान परिवार में, अनपढ़ माँ बाप की संतान, मैं सातवीं संतान हूँ और उस स्थिति में सोचा भी नहीं जा सकता था कि आदिवासी या जनजाति जीव जातियों में कोई पढ़ी लिखा महिलाओं का कोई अस्तित्व हो। मैं इत्तेफाक से प्राइमरी और मिडिल तक मेरी शिक्षा ऐसे हुई जैसे बस केवल एक काम चलाऊ, चिट्ठी पत्री लिखने लायक एक बेटी तैयार हो जाए कि अपने दुख सुख की बात लिखकर भेज दे। लेकिन संयोग ऐसा बैठा कि मैट्रिक तक रेगुलर रही और उसके बाद प्राइवेट, शादी के बाद, दसवीं कक्षा पास करने के बाद, शादी के बाद प्राइवेट जिंदगी चलती रही और मैं सेकंड थर्ड ग्रेड एक टीचर के रूप में शिक्षा विभाग में नौकरी में आई और वो मेरा लगभग ऐसा जीवन शुरू हुआ जिससे मुझे उत्साह मिला और मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े काम करूंगी। और इसी भावना से चलते चलते राजस्थान सरकार की डिप्टी डायरेक्टर के रूप तक पहुंची 27 साल में। तो गांव गरीब की काम और केवल बालिका शिक्षा पर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रहा और उसी में मैंने काम करते हुए आगे बढ़ती रही। मैम, आप म्यूट पे हैं। का जो जीवन है, ये जीवन एक संयोग है। मेरे पति के मन में भी ये बात थी कि मैं राजनीति में आऊं और दूसरा मेरे पिता भी ये सोचते थे कि मैं कुछ अलग हटकर बहुत सारे काम करूं। उसी भावना से मैं राजनीति में आई और मेरे मन में भी जब मैंने शिक्षा विभाग का काम करती थी तो कई बार ऐसा अनुभव करती थी कि निस्संदेह मुझे देश सेवा के लिए भी कुछ करना चाहिए और देश की एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा मेरे मन में आई कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन को पढ़ा करती थी और उस पढ़ाई के साथ साथ उनका जो काम थे वो सुना करती थी। तो मेरे मन में भी आया कि कुछ अंश जीवन का देश के लिए भी लगना चाहिए और ये मेरे पति ने भी मुझे सहयोग किया, मेरे परिवार ने और सहयोग किया, मेरी बेटियों ने सहयोग किया, तो मैं राजनीति की तरफ आ गई। और 1999 में मैं राजनीति में पहली बार आई और पहली बार ही मैं सांसद के रूप में चुनकर लोकसभा में आई। एक संयोग था कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे एक प्रभावी व्यक्तित्व के और बहुत ही राष्ट्रवादी सोच के इंसान के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उस समय मुझे कैबिनेट में भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला। और वो संयोग ऐसा चलता रहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ जुड़कर सबके हित का काम मैं सदैव करती रही। बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी आप ये देखिए कि मेरे जीवन में जब ये आया कि मैं अनपढ़ माँ बाप की संतान होने के साथ पढ़ सकती हूँ तो मैं क्यों ना बालिकाओं के लिए काम करूं। मैंने आज से 26 साल पहले एक संस्था की स्थापना की, ग्रामीण महिला विद्यापीठ, उसमें जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा, जो केवल किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की बच्चियां थी, आज वो संस्था 1700 बच्चियों को शिक्षा दे रही है, आवासीय व्यवस्था में 400 बालिकाओं को शिक्षा दे रही है, 158 बच्चियां गरीबों की उसमें पढ़ती हैं जिनके माता पिता
एक पाई भी एक पैसा भी खर्च नहीं करते, लेकिन हम उनको पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इस तरह से एक संयोग से मैं राजनीतिक जीवन में आई। जिंदगी तो कठिनाइयों से भरी हुई गुजरी, क्योंकि गरीबी और सबसे बड़ी बात है कि महिला का अस्तित्व समाज स्वीकार नहीं करता था, ऐसी परिस्थितियों में मैंने काम किया है। मैम, आप एक महिला होकर इतनी अर्ली एज में राजनीति में आई, तो आपने काफी कठिन डिसीशंस लिए होंगे अपने पॉलिटिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और आदि, तो वो क्या कठिन डिसीशंस थे? देखिए, राजनीति यदि हम स्वयं सेवा की भावना से, समाज हित की भावना से, राष्ट्र हित की भावना से करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं सोचती हूँ कोई कठिनाइयां नहीं आती। जब हम स्वहित में राजनीति को ले लेते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। वैसे भी राजनीति में कंपटीशन बहुत बड़ा है, और ये कंपटीशन महिलाओं के लिए और भी ज्यादा कष्टदायी है। उस कंपटीशन में प्रतिद्वंदी हर तरह से हमको हरेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम उन परिस्थितियों से सामना करते हुए पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए समाज के अंदर उतर जाते हैं, तो समाज स्वीकार करता है, ऐसी बात मैं मानती हूँ। मैम, आज की जो युवा पीढ़ी है वो आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ कैसे जुड़ सकती है? देखिए, अब ये समय इस भारतवर्ष में अब समय युवाओं का आने वाला है, आ चुका है। हमारा देश युवा भारत के रूप में है, क्योंकि आज 65% युवा इस देश के बहुत ही रचनात्मक कामों में, हम ये माने कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे युवा इतने समर्थ हो गए हैं कि उनको यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़ना चाहिए, व्यापारिक क्षेत्र में भी जुड़ना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में भी जुड़ना, और जुड़े हुए हैं। मैं जब फील्ड में घूमती हूँ तो मुझे बहुत सारे युवा भाई मिलते हैं, बेटे की तरह मैं उनसे ट्रीट करती हूँ, बेटियां भी मिलती हैं, लेकिन अभी बेटियों का जो राजनीतिक क्षेत्र में सोच है उसके बारे में अभी उनमें शंकाएं हैं, क्योंकि वो इसको बड़ा जटिल और बड़ा एक उलझा हुआ मार्ग मानती हैं। लेकिन हमारे जो युवा हैं उनको एक राष्ट्रीयवादी सोच लेकर के आगे आना चाहिए, और वर्तमान में जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और हम ये मानते हैं कि इसके साथ साथ भारत की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हमारे युवाओं के माध्यम से यदि जनता में जाएगी, तो भारत में सरकार ने जो बहुत ही प्रगतिशील योजनाओं को ले रखा है, उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलेगा, जनता को मिलेगा। युवा शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहे आज उम्र में कितना ही आगे निकल गई, लेकिन मैं जब देखती हूँ कि युवा जिस भावना से हमारे साथ जुड़ते हैं, उस भावना को लेकर मैं सोचती हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र में हमारे युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। नई नई योजनाओं को गांव लेवल तक प्रचारित करने में युवा बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, चाहे वो खेलो इंडिया में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे या छोटे बड़े बिजनेस के क्षेत्र में हो, हमारे युवाओं को बहुत बड़ी ताकत है, जो मैं सोचती हूँ कि उसका पूरा पूरा उपयोग कर भी रहे हैं और हम करने की प्रेरणा भी देते रहे। मैडम, आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दौसा, वहाँ वाटर में फ्लोराइड के कारण काफी लोग प्रभावित हैं, और उसके विषय में आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मुझसे, कि जब से मैं भारतीय जनता पार्टी की द्वितीय बार सांसद बनकर पार्लियामेंट में बैठी हूँ, पहले दिन से दौसा में पेयजल के लिए बराबर मेरे मुद्दे उठे हैं, और फ्लोराइड ही नहीं, वो डार्क जोन भी है। मेरे संसदीय क्षेत्र का 3/4 भाग डार्क जोन है, भूमिगत जल सूख चुका है, पेयजल की इतनी भारी समस्या है। उसके लिए जब मैं लगातार प्रयास करती रही, तो हमारी सरकार ने राजस्थान सरकार से मिलकर एक ईसरदा डैम है जो बनास नदी पर बनाया जा रहा है, जिसको जो काफी प्रगति पर चल रहा है,
और हमें विश्वास दिया है सरकार ने कि 2023 तक नल से जल दौसा जिले को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। बार बार क्वेश्चन उठाए, बार बार हमने जल संसाधन मंत्री जी से बात की और उससे हमें ये रिजल्ट मिला कि हमारे पेयजल की व्यवस्था का काम शुरू हो चुका है। इसमें दौसा जिले की 5 विधानसभाएं और सवाई माधोपुर जिले की 52 विधानसभा इसके साथ जुड़ चुकी है। और मैं उस पॉइंट पर जहां बांध का निर्माण हो रहा है उस पॉइंट पर जाकर भी मैंने इंजीनियरों से बात की और उनसे जब बात की तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि 2023 तक पेयजल की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। वर्तमान में बीसलपुर बांध से पेयजल की व्यवस्था है जो बहुत ही न्यून है, कम है। उसमें 2 विधानसभाओं में तो पेयजल मिल गया लेकिन दौसा के लिए तो आज भी 8 में एक बार पानी आता है और उसी पानी से लोग पीने की व्यवस्था करते हैं। समस्या जटिल है लेकिन समाधान की तरफ हम बढ़ चुके हैं। धन्यवाद मैम। आपने रूरल गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोली है, ग्रामीण महिला विद्यापीठ खोला है, पर आपका दौसा में जब इलेक्शंस होते हैं तो काफी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। आपने जैसे हमें पहले कहा महिलाओं को और युवा जो यंग लेडीज हैं उनको पॉलिटिक्स में आने की बहुत वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है या उनका जो सोच विचार है अलग है। आपने स्ट्रॉन्ग महिला हो के ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम और जो आप पढ़ाई करा रही हैं इतनी सारी महिलाओं को और बच्चियों को, वो क्या आप सल्यूशन निकाल रही हैं और आपने कैसे फेस किया? देखिए, मेरा तो 26 साल पहले से ये प्रयास, 27 साल पहले से था। दौसा संसदीय क्षेत्र में मैं उस संस्था में ग्रामीण महिला विद्यापीठ में आज 5 जिलों की बच्चियां आती हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश का शोपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण और यहाँ तक कि धौलपुर तक की बेटियां मेरे उस संस्थान में पढ़ने के लिए आती हैं, जो राज्य हिंदुस्तान में सबसे न्यून फीस पर हम उनको प्रवेश देते हैं। हॉस्टल में भी यदि बच्ची रहेगी तो मात्र 20,000 साल के उससे ले लेने के बाद हम इस काम को व्यवस्थित रूप से उनको कोचिंग भी देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रश्न आपने मुझसे किया, पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी जब से सुनिश्चित हुई है उससे महिलाएं आगे आई हैं। आप ये देखिए कि जब ये कानून लागू हुआ था तो महिला सरपंच, पंच और प्रधान बनने के बाद उनके पति ही मीटिंग में आते थे, उनके पति ही सारा काम करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब उनको मैं जाकर समझाइश करती हूँ, यहाँ तक कि एक ब्लॉक की, एक पंचायत समिति की महिला सरपंचों को कई बार बुलाकर मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि तुम खुद अपना काम करना शुरू करो, तो मैं आपको आज विश्वास के साथ कहती हूँ कि 50% हमारी सरपंच बहनें अब खुद काम करती हैं। प्रधान की सीट पर बैठी हुई भी हमारी कई बहनें सक्षमता से अपने काम को निपटारा करती हैं, जबकि पहले सरपंच पति ही आते थे मीटिंग में, अब उनमें भी कमी आई है। और मैं जहां भी जाती हूँ यदि सरपंच, महिला सरपंच मंच पर मेरे साथ नहीं बैठती तो मैं उसको बुला करके, जब तक मैं नहीं बैठती हूँ जब तक महिला सरपंच मेरे साथ नहीं बैठे और उसकी वाणी से, उसके उद्बोधन से ही मैं उसको सहयोग करती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी ताकत तो महिलाओं में आ रही है। मैं उनको समझाती भी हूँ कि मैं भी तो एक अनपढ़ और गरीब परिवार की बेटी रही हूँ, गरीब परिवार की बहू रही हूँ, तो तुम क्यों नहीं आगे आना चाहते, तो आती हैं खुश होकर। आपको एक नई बात कहना चाहती हूँ कि अभी हमने 3 ग्राम पंचायतों में 40 वर्ष के कम उम्र की जो विडो हो गई हमारी बहनें केवल जनजातियों में, उन सबको इकट्ठा किया। ऐसी 3 ग्राम पंचायतों में 42 बहनें आई, उनको हमने मोटिवेट किया कि तुम आत्मनिर्भरता के लिए क्या कर सकती। भारत सरकार की पशुपालन मंत्रालय से संपर्क करके उन सभी 42 बहनों को हमने 2-2 बकरियां दिलवाई, क्योंकि वो रिमोट एरिया में रहती हैं, गाँव में रहती हैं, इतना पैसा नहीं है कि भैंस खरीदे, 80-90 हज़ार की भैंस आती है, और वो 2-2 बकरियां हमने गवर्नमेंट की तरफ से फ्री उनको दिलाई। आज जब दोबारा मैं उन बहनों से मिली,
उन्होंने इतनी खुशी जाहिर करी कि हमारी इन दो बकरियों के 6 महीने में दो दो बच्चे और हो गए। और आगे इस तरह से आगे बढ़ती हुए छोटी छोटी एक यूनिट छोटी छोटी यूनिट से वो अपने परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चे को स्कूल भेजने की फीस, अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय उसके लिए कपड़े बनवाना, उसको विदा करना तक की सक्षमता उन बहनों ने ली है। तो इस तरह से रिमोट एरिया में, गरीबी एरिया में, छोटी जगहों पर ये छोटे छोटे उपक्रम में करती रहती। आगे भी मैंने सोचा है कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के साथ साथ उनको जोड़ रही हूँ ताकि वो छोटे छोटे काम करके अपने आय के स्रोत बढ़ा सकें। अपनी खेती में बहता हुआ जल हमारे संसदीय क्षेत्र में कहीं भी नहीं है, जल के अभाव में परंपरागत खेती भी छूटती जा रही है। ऐसी स्थिति में कम पानी की लागत से उगने वाले फलोद्यान जैसे बेर है, आंवला है, ये मैंने उनको मोटिवेट करती हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र को मैंने साथ रखा हुआ है, उनके अधिकारी और उनके वैज्ञानिक उन महिलाओं को, उन नौजवानों को समझाते भी। थैंक यू मैडम, इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी के कोई प्रोजेक्ट्स आपने लागू किए हैं लोकल कंपनीज के साथ मिलकर? देखिए, जैसे ही मैं एमपी बनी, मैंने तुरंत सीएसआर लागू करने के लिए कंपनियों से संपर्क किया, लेकिन कोविड महामारी के कारण कंपनियों का जो सेवा का काम था वो कोविड के अंदर चला गया। ऐसी स्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी काम सीएसआर का नहीं हो पाया। अभी फिर मैंने उनसे संपर्क किया है कि हमारे कुछ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जहां जहां केंद्र हैं, और इसके अलावा हमारी गांव की बीपीएल फैमिली की जो बहनें मजदूरी करती हैं उनके लिए मैंने संपर्क किया है। और मैं याद भी उनको दिला रही थी कि आज प्राइवेट कंपनी जो भी काम करती हैं तो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और जिस तरह से अप्रैल 2014 से यह नियम लागू हुआ कि 5 करोड़ की बचत करने वाली कंपनी 2% अपने शुद्ध लाभ का 2% पब्लिक में लगाएगी, तो मैंने अभी कुछ स्ट्रीट लाइट्स के लिए दिया है, कुछ गरीबों के लिए घर बनाने के लिए भी मैंने दिया है, मांगा है उनसे। और इसके साथ साथ बालिका शिक्षा संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें बालिकाओं के लिए बुक्स की, ड्रेस की, लाइब्रेरी के लिए भी मैंने डिमांड की है। अब से पहले मेरे संसदीय क्षेत्र में किसी भी कंपनी का एक पाई भी खर्च नहीं हुआ, तो मैंने ये भी बात रखी है उनके सामने। मेरी 2 सड़कें मंजूर हुई थी इस सीएसआर में, दोनों सड़कों पर प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध इसलिए लग गया कि स्टेट गवर्नमेंट के एमएलएज ने अपने नाम से उन सड़कों का नॉमिनेशन कर दिया, तो सीएसआर में पैसा देने वाली कंपनियों ने इसको स्टे कर दिया। अब मैं पुनः लिख रही हूँ कि एमएलए दे या एमपी दे, जो भी जनप्रतिनिधि अपनी डिमांड रखता है उसके अकॉर्डिंग ये जाता है, तो समाज को है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, जीतने के बाद हर जनप्रतिनिधि सबका होता है, जैसे कि मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस भावना से उनको मोटिवेट किया है और पुनः मैंने लिख दिया है कि इस स्टे को आप वैकेंट करें ताकि ये आवागमन की कनेक्टिविटी जुड़ सके। थैंक यू मैडम। आज के दौर में जब कोविड का टाइम चल रहा है तो ऐसे डिजिटल पार्लियामेंट एक ऑनलाइन टूल है जिसके माध्यम से हम पॉलिटिकल लीडर्स और मासेस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टूल्स में आपकी क्या क्या इच्छाएं होंगी कि ये फीचर्स होने चाहिए ये वाले टूल्स में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि मैं विगत 2 वर्षों से, जब से कोविड की महामारी चली, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन अपने लोकल कार्यकर्ताओं से, अपने सरपंचों से वीसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही संपर्क मैंने किया। और मैंने देखा कि वाकई में युवाओं के अंदर बड़ी एक उत्साह है। और जब मैं गांव के उस युवा कार्यकर्ता से बात करती थी, महिला सरपंचों से बात करती थी, तो शुरू में तो झिझक कर बहुत सारे लोग हंस कर ही चले जाते थे, जैसे आप भी हंस रहे हो तो, लेकिन अब उनमें एक रुझान बढ़ी है और ये प्लेटफॉर्म बहुत यूजफुल साबित हुआ है।
और हमारी युवा पीढ़ी इसके साथ जुड़कर और भी इसको ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाएगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसा क्षेत्र भी है कि जहाँ मैन टू मैन ही बात करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश ये भी कर रही हूँ कि उन बुजुर्गों से जो इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते, ऐसा मेरा संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया है, तो उन लोगों से मैन टू मैन भी बात करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कोविड महामारी ने हमको जो ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, वाकई में ये बहुत सराहनीय प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से हम ना चाह जाना चाहते हैं या बीमारी से डर कर बचना चाहते हैं, तो हम कम से कम संवाद तो कर ही लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, वो भी अपनी बात मुझे बताते हैं, तो मैं बाकायदा उसको लिखती हूँ और लिखने के बाद संबंधित अधिकारियों तक उस समस्या को मैं पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद मैम। इस विषय पे मैं अभी डॉक्टर उपाध्याय, हमारे जो सीनियर कलीग हैं, उनसे अनुमति करूंगी, वो भी आकर अपना प्रश्न रखें। मैडम, मुझे आपके क्षेत्र में भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का मौका मिला था, तो अच्छा। वहां के लोगों से हम लोग जुड़े, हाँ जी। तो ये करीब 20 साल पहले की बात है। ओ। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भी हम गांव में थे तो जो महिलाएं हैं वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी होती थी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया आज आपके माध्यम से, आपके कार्य से बहुत कुछ बदला है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस दिशा में कितना परिवर्तन आया है और क्या परिवर्तन आप भविष्य में चाहती हैं। देखिए, 20 साल पहले की जो बात है, उस समय तो शायद मैं भी घूंघट कर लेती थी, लेकिन अब महिलाओं में बहुत परिवर्तन आया है। ये मान के चलो कि हमारा 70% महिला शक्ति अब मुखर होकर बोलने भी लगी है, और पंचायत राज सिस्टम में जुड़ने से, और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक आंगनबाड़ी सहयोगनी, इन दोनों बहनों की जो भूमिका है वो वाकई में सराहनीय भूमिका है, जिन्होंने महिलाओं को मुखर होकर अपनी बात कहने के लिए तैयार किया है। यदि हम इन दो यूनिट को, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी साथिन और सहयोगिनी, इनको थोड़ा और अधिक सशक्त कर दें, तो हमारी महिला शक्ति काफी आगे बढ़ सकती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में वाकई में आपने कहा ना कि मुंह फेर कर खड़ी होती थी, आज भी हमारी जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, मेरी उम्र है, वो आज भी पल्ला करके मुंह छुपा लेंगी और साइड में खड़ी होकर बात करती हैं। लेकिन नव युवतियां, नौजवान बहनें आगे बढ़ी हैं, काफी जागरूकता आई है, काफी परिवर्तन हुआ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर उपाध्याय आपके प्रश्न के लिए। मैडम, हमारे व्यूअर्स को और आती हुई पीढ़ियों को कोई एक मैसेज देना चाहेंगी आपकी तरफ से? मेरा हार्दिक उनके लिए प्यार है, स्नेह है, और उनको प्रेरित करने की मेरी आत्मा में भावना है। मैं उन सबको एक ही बात कहूंगी कि आज समय है इस भारतवर्ष को युवा भारतवर्ष बनाकर वो अपनी युवा शक्ति के माध्यम से, अपनी इंटेलिजेंसी के माध्यम से, अपने हर क्षेत्र में काम करने की भावना के माध्यम से वो आगे बढ़ें। और देश हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे 65% परिवार केवल कृषि से ही अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, तो कृषि में नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर, कृषि में नए नए अनुसंधानों को अडॉप्ट करके हमारे नौजवान इस देश को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और नई नए अनुसंधान होने के बाद जो जानकारियां हमारे पास हैं उनका उपयोग हमारे नौजवान पीढ़ी करे और आगे बढ़े, अपनी पूर्ण योग्यता और क्षमता के साथ यदि वो काम करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत की नींव यदि कोई डालेगा तो हमारा नौजवान डालेगा, हमारा नव युवतियां डालेंगी, हमारे परिवार जो श्रम के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो श्रम की उपासना करते हैं, वो ही परिवार हमारे देश को आत्मनिर्भर करेंगे। मैं उन्हें कहूंगी कि काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उसको बराबर से सम्मान देते हुए हम आगे बढ़ते रहें, और हर नौजवान छोटा और बड़ा हर स्तर का काम अपने हाथ में लेकर अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़े, यह मेरी प्रेरणा उनको मैं देना चाहता हूं।
धन्यवाद मैम, आपने अपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और आने वाली पीढ़ियों के साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वी आर वेरी प्राउड टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव लाइक यू फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर ऑल द वुमेन इन इंडिया. थैंक यू. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे जुड़ा आपने.